we come to problem number 7 of exercise 2.2. In this case, it is given to you R is equal to set containing ordered pair x, x cube, where x is a prime number less than 10. यहाँ पे x है, यहाँ पे x cube है, और x क्या है? It is a prime number less than 10. हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है. बहुत ईजी है. R is equal to, अब 10 से कम वाले आप ये देख लीजिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं. 1, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2, तो 2 आएगा, और यहाँ पे 2 क्यूब आएगा 8. 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, इट्स क्यूब इज 27. 4, नॉट अ प्राइम नंबर. 5, 5 इज अ प्राइम नंबर, सो 5, इट्स क्यूब इज 125. ओके, 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 7, 7 इज अ प्राइम नंबर, एंड 7 क्यूब. 49 इंटू 7 अगर आप करते हो तो आपको 343 आएगा. ओके, देन 8 नॉट अ प्राइम नंबर, 9 नॉट अ प्राइम नंबर, एंड 10 नॉट अ प्राइम नंबर. वैसे 10 लेना नहीं, बिकॉज लेस देन 10 का हुआ है. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन. कमिंग टू दिस, हियर इट इज गिवन टू ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1, 2. आपको ये बताना है देर आर हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी. नाउ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2. Therefore, number of elements in A cross B, it is equal to 6. Therefore, possible subsets of A cross B are 2^6. Possible ki jagah pe number of possible. Number of possible subsets of A cross B. Number of possible subsets of A cross B are 2^6. 2^6 इतने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं. एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द रिलेशन. देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दिस इक्वल टू 2^6. इतने रिलेशंस बन सकते हैं. कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड. जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. जो पहला चैप्टर रिलेशन हमने सेट्स देखा था, उसमें नंबर सिस्टम में सेट्स के क्या नोटेशन है वो टॉपिक हमने देखा है. Z इज फॉर इंटीजर्स. R इज फ्रॉम Z टू Z. R इज इक्वल टू सेट करनी ए बी. ए और बी दोनों इंटीजर्स है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू Z. जैसे मैंने बताया, ए और बी दोनों इंटीजर्स है, एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर. हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है. नाउ सी, R इज कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इट शुड बी एन इंटीजर. जब आप कोई भी दो इंटीजर्स कंसिडर करते हो तो उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा इंटीजर आता है. ओके, इन द लोअर क्लासेस स्पेशली इन 7th स्टैंडर्ड, आप चाहो तो 7th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर देख लीजिए. 7th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर इंटीजर्स है. ओके, क्लियर. जब आप वो चैप्टर ओपन करके देखोगे, व्हेन यू विल स्टडी अबाउट दैट चैप्टर, उसमें आप एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी. रिकॉल इट, आपने लोअर स्टैंड में ये प्रॉपर्टी स्टडी की है. वैसे भी आप अभी 11th स्टैंड में, तो शायद आपने 10th स्टैंड में भी देखा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी थी इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ टू एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सेट एंड अप्लाइंग एन ऑपरेशन ऑन डैट टू सेट्स गिव्स अ एलिमेंट विच इज अगेन डैट सेट, देन वी से डैट द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डैट प्रॉपर्टी. सीधा एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स और एडिशन वाला साइन ले लीजिए. हम कोई भी दो नेचुरल नंबर कंसिडर करेंगे, ठीक है, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो वापस हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है. मीन्स नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी. वैसे इंटीजर्स के केस में आप कोई भी दो इंटीजर्स कंसिडर करोगे, उनका सब्ट्रैक्शन लोगे, तो आपको वापस इंटीजर ही मिलेगा. ओके, A, B belongs to Z. Therefore, A minus B also is in Z. A minus B हमेशा इंटीजर ही रहेगा. ओके, इससे क्लियर हो जाता है कि इसका जो डोमेन रहेगा, डोमेन हमेशा Z रहेगा, और इसका जो रेंज रहेगा, रेंज भी हमेशा Z ही रहेगा. ओके, डोमेन इज ऑल्सो Z एंड रेंज इज ऑल्सो Z. क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन होने के बाद हमें फिर से इंटीजर ही मिलने वाला है. ओके, इफ यू टेक एनी टू इंटीजर्स, इट्स सब्ट्रैक्शन इज अगेन अ इंटीजर. ओके, सो डोमेन इज जेड एंड रेंज इज ऑल्सो जेड. प्लीज नोट इट डाउन.